चारा ले आया हूँ और एक बार और लाना है, अभी दूसरे फिर चारा लेने जा रहा हूँ। बाइक जीती अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मज़र और आप देख रहे हैं मज़र के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो चारा ले गया था मैं, हम दो बार चारा लेके जाते हैं तो अभी दूसरी बार लेने आया हूँ, क्योंकि सुबह भी डालने आते हैं शाम को भी डालना होता है चारा भैंस को, तो अभी दोबारा लेने आया हूँ। चारा वगैरह काट के फिर हमने निकलना है तो फैलाबाद के लिए। नईम भाई आ रहे हैं। अगर नईम भाई को आपने पहले कभी नहीं देखा, वो व्लॉगर है मेरे ही इलाके के, तो वो आ रहे हैं, फिर हम दोनों ने साथ जाना है। वो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आप उनकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो हम दोनों ने निकलना है, हमने जाना है बुरेवाला से आगे तो फैलाबाद है, बुरेवाला से 12 किलोमीटर आगे है तो फैलाबाद वाकई है, वहाँ पे जाना है। मेजर तुफैल सिंह शहीद के मज़ार पे जाना है। उधर से लेके वहाँ पे रोड पे जाना है, वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है और मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है, दो तीन दिन से ऐसे ही है, मौसम ख़राब है, बिल्कुल बादल बदले हुए हैं, काले बादल, ये देखें ख़राब मौसम है। ये लकड़ियाँ भी अभी तक मैंने उठानी है, तो चारा उठाते हैं और चलते हैं। रेडी हो गया नईम भाई, वो सामने आए खड़े, बस गए अभी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नहीं भाई, ब्लॉगिंग रहमान टाउन के सामने खड़े हुए, पीछे रहमान टाउन है, नईम भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अभी हम निकलने लगे हैं तो फैलाबाद के लिए, बुरेवाला जाना है पहले, बुरेवाला से 12 किलोमीटर के फासले पर तो फैलाबाद वाकई है, तो वहाँ चलते हैं। नईम भाई से कुछ पूछते हैं। सुनाए नईम भाई, क्या हाल है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आपके साथ तो मज़ा आएगा आज ब्लॉगिंग का स्पेशली, इंशाल्लाह आज मज़ा आने वाला है, मज़ा इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स आपने लाजमी पूरी वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो देखना है, जुड़े रहना हमारे साथ, इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए निकलते हैं। सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा शोर आ रहा है इधर, तो फाइनली पहुंच चुके हैं। ये पीछे पढ़ सकते हैं आप, बाप मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, निशाने हैदर मिला था इन्हें गालबन के, ये पहले थे जिन्हें, पहले फौजी थे जिन्हें निशाने हैदर मिला था। तो ये मेन गेट है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं, वो नईम भाई खड़े हुए, नईम भाई थोड़ी सी अपनी वो मतलब कि सामान क्लोज़ कर रहे हैं, उनकी शूटिंग हो गई है। तो अभी हम आगे मज़ार पे जाएंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे जो व्यू है वो नईम भाई कवर कर रहे थे, तो अभी चलते हैं हम आगे। यहाँ पे सारी तफसीलन बात लिखी हुई है, उन्होंने फ़तेह किया था लक्ष्मीपुर, जो भी सारी स्टोरी है ये लिखी हुई है, आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ये देखें तो फैल शहीद, यहाँ पे जो गाँव है वो भी इनके नाम से ही है, तो फैलाबाद कहा जाता है इसे। ये देखें, ये यहाँ पे आगे हमने अभी जाना है। मैं यहाँ पे बैठा वेट कर रहा था, नहीं भाई पीछे अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो बादल बने हुए हैं लेकिन थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी धूप भी है, बादल भी हैं, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था छाँव में। अभी नहीं भाई वीडियो बना लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे, मज़ार पे जाना है। तो ये यहाँ पे रेलवे लाइन भी है, ये देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पे फाटक नहीं लगाया गया, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये तुफैल साहब की मज़ार को ये रोड जाता है, यहाँ पे फाटक कम अज़ कम यहाँ पर तो होना चाहिए था, बट क्या कहें गवर्नमेंट को। ये देख सकते हैं ये कुछ सीन है, वो पीछे एंट्री गेट है। नईम भाई ने तकरीबन अपनी वीडियो बना ली है, अभी मैं आपको मज़ार पे ही जाके मिलूँगा। पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये पीछे कब्रिस्तान है, यहाँ पे उनका मज़ार है, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो मतलब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अच्छी जगह बनाई हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये देखें ये पीछे आराम के लिए, मतलब यहाँ पे जो बंदा आता है, यहाँ पे आर्मी आती है,
ये 6 सितंबर को भी आर्मी आएगी यहाँ पे। ये देखिए, ये बैठने के लिए यहाँ पे जगह बनाई हुई है। ये पीछे तुफैल शहीद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये देखें, काफ़ी जगह छोड़ी हुई है। ये साथ कोई फैक्ट्री है। काफ़ी अच्छी जगह है माशाल्लाह यहाँ पे बैठने के लिए, और माशाल्लाह हवा चल रही है बड़ी मज़ेदार सी। तो अभी हम अंदर चलते हैं, चल के दुआ मांगते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर, गालबन जो पहले फ़ौजी थे जिन्हें निशाने हैदर मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मतलब एजाज़ नसीब हुआ है यहाँ आने का। नईम भाई का बहुत शुक्रिया जो नईम भाई हमें यहाँ पे लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यहाँ पे जहाँ पे मैंने दुआ मांगी है, ये मेजर तुफैल की कब्र है। और ये जो साथ है आप देख रहे हैं, ये उनकी बेगम साहिबा की कब्र है। ये आप देख सकते हैं, बेगम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, ये उनकी कब्र है। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पे ये इनका मज़ार है। और ये साथ कब्रस्तान का व्यू है कुछ, ये भी इधर भी साथ भी कब्रस्तान है, वहाँ पर बैठने की जगह है। ये देख सकते हैं आप, आए वो पता नहीं क्या है, आई थिंक वहाँ पे जाके अभी देखेंगे, दरबार है आई थिंक कोई। दरबार पे दुआ मांग लिए, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठना है, थोड़ा सा मतलब आराम करते हैं, फिर वापस घर के लिए निकलेंगे। काफ़ी मतलब ना गर्मी सी लग रही, मुझे तो काफ़ी पसीना आ गया। नहीं भाई अपनी वीडियो बना रहे, तो मास्क मैंने पहना हुआ था तो मैंने मास्क वगैरह उतार दिया। चेक करें, दाग लगा हुआ है, शो हो रहा है। दाग लगा था बच्चों से तो वो ये उतरा नहीं अभी तक। तो नहीं भाई भी आ गए। सुना है नहीं भाई, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया, लेकिन थोड़ी सी हबस हो गई है गर्मी। थोड़ी सी हबस हो गई है, थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश आ जाए तो मज़े का मौसम बन जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है नहीं भाई ग्राउंड में? ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ के खेल वगैरह होते हैं, मतलब स्पेशली फुटबॉल का खेल होता है, आर्मी का जो मेन खेल है। बाकी खेल भी लोग खेलते होंगे, लेकिन जो मेन है फुटबॉल खेलते होंगे। सही। ये गोल बने हैं दोनों तरफ। सही 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 सही। तो यानी कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 6 सितंबर वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए यानी कि लोगों के बैठने के लिए जगह भी काफ़ी ज़्यादा इनके ये मुनासिब है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बैठ सकते हैं यहाँ। सही है। हाँ, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, इधर काफ़ी ना मतलब इधर पट्टियाँ बनाई हुई हैं बैठने के लिए, तो सामने भी काफ़ी जगह बनाई हुई है, स्टेडियम टाइप बनाया हुआ है कि मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ सकते हैं और गेम देख सकते हैं। बिल्कुल साफ में, इधर मज़ार है। वो पीछे मज़ार रहा, वो देखें अभी इधर बैठे हैं, थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। इधर आओ, ये जनाब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कैसे हो? ठीक हो? क्या करते हो आप? क्या करते हो? क्या करते हो? सोते रहते हो? स्कूल नहीं जाते? छुट्टी हो गई है, चलो स्कूल खुल जाएंगे फिर स्कूल जाना, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं, स्टे किया। वो नहीं भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं। ये देखें, ये जगह है पे यहाँ पे बैठने के लिए ना, यहाँ पे मतलब फुटबॉल वगैरह जैसे नहीं भाई ने बताया खेल सकते हैं। तो ये पीछे जगह है, बच्चा देख रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। ये मस्जिद है पीछे, ये मस्जिद है, वो वहाँ पर दरबार है। मतलब काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, वो भी नहीं भाई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद जो है वो 22 जून 1914 में जो है इंडिया के एक शहर होशियारपुर में पैदा हुए थे। इनका जो मार्का था, जो इनकी मेन जंग थी, वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में थी, लक्ष्मीपुर में, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी थी उन्होंने धोखे से लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया था। तो इनकी वो मेन जंग थी। जो लक्ष्मीपुर है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मतलब बांग्लादेश वाली साइड पर है, वहाँ पर उन्होंने मतलब जो है इंडिया वालों ने कब्ज़ा कर लिया। तो जो मेजर मोहम्मद तुफैल मोहम्मद थे, इन्होंने वहाँ पे जाके इन्होंने उनके साथ जंग करके तो वो जो हिस्सा था हमारा वो वापस लिया, और जो इंडिया की आर्मी थी वो भाग गई। तो इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो है बुरेवाला से 12 किलोमीटर दूर वाक़ है तुफैलाबाद में है।
तो फैलाबाद जो है गांव है, तो फैलाबाद इनके नाम पे ही गांव बनाया गया था। तो इनका यहां पे मज़ार है। अब यहां ये जो गांव है वो भी इनके नाम पे है, तो फैलाबाद। अभी मकामी इनका गांव है, उसका नाम है 253 ईबी, जो हमारे मतलब पाकिस्तान के गांव होते हैं या मतलब उसका नाम होता है, तो वो है 253 ईबी लोकल लैंग्वेज। इनकी जो सर्विस रही है वो 1932 से लेके 1958 के दरमियान में इनकी जो सर्विस के साल थे। और इनको जो अवार्ड दिया गया है वो निशाने हैदर है। आप सबको पता है कि निशाने हैदर से बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, और ये पहले फौजी थे जिन्होंने निशाने हैदर जो मतलब अचीव किया इनको दिया गया। तो पाकिस्तान के पहले फौजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। वफात थी वो है 8 अगस्त 1958 बांग्लादेश लक्ष्मीपुर में, तो वहाँ पे वफात हुए थे। तो यहाँ पे इनको मतलब इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो ये वाली है। हम वापस निकलने लगे हैं, मतलब यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 घंटे हो गया यहाँ पे हमें खड़े हुए। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं, नईम भाई वो रहे। तो अभी यहाँ पे कुछ कैंटीन वगैरह तो है नहीं, कुछ खाने को ढूंढते हैं वहाँ के मेन रोड पर, शायद कोई हो जगह वहाँ पर कुछ खाने के लिए ढूँढते हैं। वहाँ पर नहीं हुई तो फिर बूरेवाला में हम स्टे करेंगे। बूरेवाला यहाँ से 12 किलोमीटर के फासले पर है, तो बूरेवाला में हम कुछ खाएं पिएंगे अभी, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो बस अब वापसी को निकलते हैं। ये जो रोड है जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये वाला, ये मतलब काफ़ी अच्छा रोड बनाया है, और लाइटिंग वगैरह भी है। आर्मी ने काफ़ी अच्छा काम करवाया माशाल्लाह आर्मी ने। इधर जो पीछे जो भी काम हुआ है सारा आर्मी ने करवाया, और ये सारा आर्मी के अंडर है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। अभी हम वापसी को जा रहे हैं नईम भाई और मैं, और हल्की हल्की कनियाँ भी पड़ रही हैं, बारिश आने शुरू हो गई है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं हल्की हल्की कनियाँ पड़ रही हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर। पेट्रोल पंप पे ही रुके हैं, वहाँ पे हम पहुँच गए थे तकरीबन, वहाँ जहाँ पे बस आ रही है वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन बारिश आने लगी फिर वापस मुड़ना पड़ा। कभी पंप पे रुके हुए हैं, तो बारिश रुकेगी तो वापस जाएंगे। वो कैंटीन है, शायद वहाँ पे कुछ खाने को मिले। ये पेट्रोल पंप की कैंटीन है, यहाँ पे बैठते हैं या कुछ खाते पीते हैं। वहाँ पे बाहर तो बड़ी तेज़ किस्म की बारिश आ रही है, ये देखें बारिश बारिश बारिश। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, पहले तो गर्मी लग रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्राइट ली है नईम भाई ने, माछीवाल से। नईम भाई कैंटीन में खड़े हुए हैं, और आपका भाई यहाँ पे खड़ा होके मौसम को एंजॉय कर रहा है। ट्रक्स जा रहे हैं यहाँ पर। हम अभी वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और हम जाएं। कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गया तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है। ये देखो पानी चेक करें कितना में खड़ा हो गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब रुकेगी तो हम निकलेंगे। 8:01 PM हम तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था जब हम घर पहुँच आए थे।
तो बाद में मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था, घर में आके काम करने लग गए थे। तो अभी मैं, बशीर, ज़ाहद भाई आए हैं यहाँ पे, बशीर भाई के एक दोस्त से मिलना था, तो अभी वहीं पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं। ये देखें बशीर भाई, ज़ाहद भाई, तो अभी इनका दोस्त आता है तो उनसे मिलने के बाद हम घर निकल जाएंगे। बस यही था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।